मैं हूं मुस्कान झा और आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। और आज हमारी जो रिपोर्टिंग है वो आप पहुंची है श्रृंगार केंद्र में। श्रृंगार केंद्र, जी हाँ, ब्यूटी पार्लर में, जिसका हिंदी में नाम हम श्रृंगार केंद्र भी कहते हैं। और देखिए, आज के टाइम में ब्यूटी पार्लर में सजना सवरना किसे नहीं पसंद है। और सजना सवरना हम लड़कियों का तो जन्म का हक है, वो उससे हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। तो ब्यूटी पार्लर में हम लोग सजने सवरने के साथ साथ हमारी हेयर, हमारी स्किन केयर, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनका ध्यान रख सकते हैं। तो आइए, चलिए अंदर, मैं आपको ले चलती हूँ और बात करते हैं यहाँ के ऑनर से और उनसे जानते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी सेवाएँ उपलब्ध है। बहुत सारे ब्यूटी पार्लर में आपको नेल्स के भी सेवाएं उपलब्ध होती है। तो आइए, चलिए मेरे साथ, मैं देखती हूँ कौन कौन से सेवा यहाँ पे उपलब्ध है। तो नमस्कार सर, टीम डीटीवी भारत की ओर से आपका वेलकम है हमारे शो पे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद शमशीर आलम है। मैं आलम, मेरा आलम के नाम से जाना जाता हूँ। मैं आलम सेर ब्यूटी सलून का ऑनर हूँ एंड प्रोपराइटर हूँ। टोटल ऑल इन वन मैं हूँ। और मेरा भाई भी है एक, जिनका नाम मोहम्मद तनवीर आलम है। मैं दोनों भाई मिलके ये पार्लर चलाते हैं। मेरा 5 ब्रांच है टोटल, पटना में 4 है, एक छपरा में। अरे वाह सर, कितने साल हो गए सर आपको इस पार्लर में? मुझे इस पार्लर लाइन में हो गए हैं 21 ईयर्स। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट किया हूँ 2014 से। बाकी मैं 12 ईयर्स फॉर मुंबई में जॉब किया हूँ और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट का भी काम किया हुआ हूँ। सर, आपने सीखा कहाँ से है ये मेकअप करना और सारा कुछ? टोटल काम मैं मुंबई से सीखा हूँ, इसीलिए इनका इतना सारा ब्रांच है और मुंबई में है। आप इनका काम जो बहुत परफेक्शन है। तो सर, हमें यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं आपके पार्लर में मिलेंगी? यहाँ पे आप टोटल सुविधाएं मिलती हैं। यहाँ पे ब्राइडल मेकअप और हेयर स्टाइल, हेयर स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग, कलर, ओम्ब्रे कलर, बालियाज कलर, टोटल सर्विस मिलते हैं लेडीज़ में। जेंट्स का भी मेरा है, वो अलग है। दोनों अलग अलग सेपरेट सेपरेट पार्लर हैं। सर, मेकअप में आजकल के लड़कियों का कुछ भी होता है ना, हमारा पार्टी हो, फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो, कुछ भी हो, लड़कियां मेकअप आ जाती हैं। मेकअप पे तो गाना भी है कि ब्रेकअप के बाद मेकअप कर लिया। तो सर, उस पर क्या कहेंगे आप? मेकअप में हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा? मेकअप में मेरे यहाँ से बहुत सारे मेकअप होते हैं। ब्राइडल मेकअप होते हैं, इंगेजमेंट मेकअप, पार्टी मेकअप एंड फैशन शो का भी मैं काम कर चुका हूँ मेकअप में। तो सर, अभी आप देखिए कि हमारे साथ हमारी सहयोगी निभा सिंह मौजूद हैं। वो अपना यहाँ पे मेकअप करवा रही हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उन्हें उनका ये एक्सपीरियंस कैसा है। तो क्या करवा रही हैं आप? ये मेकअप करवा रही हूँ फिलहाल, आप देख सकते हैं अभी तो मेरा आईज़ मेकअप कंप्लीट हो गया है। फेस का मेकअप कर रहे हैं आलम जी और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मेकअप आप पहली बार करवा रही हैं या फिर इससे पहले भी आप सैलून वाला मेकअप करवा चुकी हैं? नहीं, सैलून वाला मेकअप शायद मैं पहली बार करवा रही हूँ, इससे पहले मैंने नहीं करवाया। सर, इनका कौन सा मेकअप हो रहा है? इनका एयर ब्रश मेकअप हो रहा है सर। इसमें और नॉर्मल जो हम लोग एक ब्यूटी ब्लेंडर से मेकअप करते हैं फाउंडेशन में, तो दोनों में डिफरेंस क्या आ जाती है? दोनों में डिफरेंस ये आता है कि ये एयर ब्रश मेकअप करने से मेकअप क्रैक नहीं होता है कहीं से, इवन टोन आता है और मेकअप ओवर लुक नहीं दिखता। सर, इनके स्किन के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि इनका स्किन कौन सा टाइप है? इनका फेयर स्किन है, फेयर टोन है। मतलब इनका ड्राई स्किन है या फिर ऑयली स्किन? नॉर्मल स्किन है, नो ड्राई नो ऑयली। तो ये एयर ब्रश मेकअप है, हम लोग किसी भी स्किन में कर सकते हैं? ये किसी भी स्किन पे कर सकते हैं और जिसका बहुत सेंसिटिव स्किन है उनके लिए बहुत ही अच्छा एयर ब्रश मेकअप। मतलब जिनकी ऑयली स्किन है, ड्राई है, सेंसिटिव है, ये सारे पे चलती हैं। लेकिन सेंसिटिव स्किन के लिए बहुत ही बेटर है क्योंकि उस पर डायरेक्ट सेट कर जाता है, उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो चलिए, आगे आपको मैं सैलून का नज़ारा दिखाती हूँ। कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? दो साल अप्रोक्स। मतलब आपका पूरा ट्रस्ट बरकरार है यहाँ पे? हाँ बिल्कुल। बहुत लोगों का सोचना होता है कि मैं हेयर कट नहीं करवाऊंगी, हेयर कट करवाने से बाल कमज़ोर हो जाते हैं तो बाल फिर लंबाई उनकी नहीं बढ़ती है, आपका क्या मानना है इस पर? नहीं, ऐसा नहीं है, हेयर कट कराना चाहिए, ट्रिमिंग बेसिकली टाइम टू टाइम, उससे लेंथ भी इंक्रीज होने में हेल्प होता है बाल का और मतलब स्प्लिट एंड्स भी नहीं हो तो अच्छा होता है बालों के लिए। तो कोरोना के टाइम में आप सबको पता है कि सारे जो सैलून हैं, सारे जो मनोरंजन की चीज़ें हैं, सब कुछ बंद था। तो आप कितने महीने बाद अब सैलून आ रही हैं? अप्रॉक्स 4 मंथ्स। 4 मंथ, अब तो अब चूंकि लॉकडाउन को हटा दिया गया है और थोड़ा थोड़ा छूट दे दिया गया है, तो आइए हमारे हेयर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे बातें करते हैं और जानते हैं इसके मैटर में। सर, आप कौन सा हेयर कट कर रहे हैं मैम को? इनका जो कट हो रहा है, लेयर्स कट हो रहा है फ्रंट से, बैक से जो है वो ट्रिमिंग है, वन लेंथ है।
फ्रंट से आपका लेजर हो रहा है और बैक से आपका नॉर्मल ट्रिम हो रहा है, बराबर कर रहे हैं आप, ठीक है। तो आप बताइए मुझे कि सबसे ज़्यादा लड़कियाँ यहाँ पे कौन सा हेयर कट के लिए आ रही है, अभी कौन सा हेयर कट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है? लेयर्स है, फेदर है और मल्टी लेयर है और फिक्सिंग कट है, ब्लंड है, इन्वाइटेड ब्लंड है, ये सब कराने के लिए लोग आते हैं यहाँ पे। सर आप कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? हमारा हो गया सेवन ईयर। सेवन ईयर बहुत लंबा टाइम होता है, 7 साल। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे कोविड के टाइम में पूरा प्रिकॉशन लिया जा रहा है। इन्होंने भी मास्क वेयर किया है, मैम ने भी मास्क वेयर की हुई हैं। तो मैम जरा मुझे बताएं और हमारे दर्शकों को भी बताएं कि आप कितने टाइम से ये सैलून में विजिट कर रही हैं। मैं यहाँ 2015 से आ रही हूँ और मुझे आज तक मेरे जो भी हेयर ट्रीटमेंट्स मैंने यहाँ कराया उसमें कोई भी किसी तरह की कमी नहीं दिखी, मुझे कोई और सैलून स्विच नहीं करना पड़ा। मुझे यहाँ की सर्विस हमेशा से अच्छी लगती है, मेरे हेयर के लिए सूटेबल है। हम लड़कियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बेस्ट सैलून चूज़ करना, क्योंकि सैलून तो आपको पता है कि हर जगह पे भरमार है, कहीं कोई कमी नहीं होती है, लेकिन उसमें से बेस्ट को चुनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप हेयर क्योंकि अगर आपको सैलून को नॉलेज नहीं होगा, अगर सैलून वाले को आपके हेयर के अकॉर्डिंग नॉलेज नहीं होगा तो आपका हेयर डैमेज हो सकता है, हेयर फॉल हो सकता है और बहुत तरह की प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में। तो जैसा कि मैम कह रही हैं और मैम के साथ साथ बहुत सारी क्लाइंट ये कह रहे हैं कि इनको उन पर पूरा ट्रस्ट है, इनके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, इनके जो स्टाफ हैं उनका बिहेविंग बहुत अच्छा है, आलम सर से हम लोग मिले हैं उनका बिहेविंग बहुत अच्छा है। तो अब जानना चाहेंगे आलम सर से, एक लास्ट सवाल पूछते हैं उनसे, आ जाइए। तो हमारे सहयोगी का जो मेकअप है और हेयर है अब पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो आइए उनसे जानते हैं कि उनकी राय क्या है। ओह मैं क्या बोलूँ मुस्कान, आप देख सकते हैं मैं कैसी पहले थी और अब कितनी ज़्यादा चेंज हो गई। मैं हेयर देखिए, मैं हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा आलम जी ने बदल दिया है और काफ़ी ज़्यादा दिख रहे, एकदम बाल का वॉल्यूम कम था और अब काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम दिख रहा है, बहुत घना दिख रहा है मेरा बाल। आलम जी बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बिल्कुल चेंज कर दिया आपने, ये बहुत कम समय में इन्होंने किया, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि ऐसे हमारे पास भी कम समय था, लेकिन कम समय उस समय को देखते हुए आलम जी ने बहुत जल्दी काम किया है। ये कितने समय का था ये सब काम, मेकअप, आई मेकअप, हेयर स्टाइल, और कितने कम समय में आपने कर दिया। अगर इसको हम करने जाए तो 1 आवर लगता है, बट क्लाइंट के पास अगर टाइम नहीं है तो हम बहुत फास्ट सर्विस करते हैं, तो 15 to 20 मिनट्स में मैंने कंप्लीट किया इनका मेकअप एंड हेयर स्टाइल सब। जी बिल्कुल। तो अगर आपको टाइम की कमी है तो झटपट में भी आप सुंदर बन सकते हैं, अगर पार्टी में जाने के लिए हो रहे हैं लेट तो आपको वरीड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आलम जी के पास आए, उनके सैलून में आए और यहाँ विजिट करके आप 25 मिनट में रेडी हो सकते हैं। वैसे हम लड़कियाँ भी मेकअप का कुछ कुछ तो पार्ट जानते हैं, लेकिन उसे भी करने में हमें 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं, लेकिन आलम जी ने बहुत ही अच्छा काम किया है और 20 से 25 मिनट में निभा का जो ये रूप है उन्होंने वो चेंज कर दिया है। तो निभा मुझे आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना था कि क्या आप फ्यूचर में आना चाहेंगी, अपना ये लुक चेंज दोबारा कराना चाहेंगी? मैं तो सोच रही हूँ बार बार इन्हीं के पास आऊँ, आलम जी के पास ही आऊँ, क्योंकि इतनी जल्दी इतने अच्छे से, मतलब सच बता रही हूँ ये बिल्कुल मेरी तरह ही मेकअप है, क्योंकि मुझे जैसा एक्सपेक्टेशन था इन्होंने वैसा मेरा मेकअप किया, ओवर मेकअप ज़्यादा अच्छा भी नहीं लगता मुस्कान, और ये मेकअप बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसा कि ये बिल्कुल मेरा फेस है, किसी और का फेस नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेकअप इतना ज़्यादा ओवर हो जाता है तो खुद का चेहरा नहीं पहचाना जाता है। तो काफ़ी बेहतर लगा, काफ़ी अच्छा लगा, अच्छा एक्सपीरियंस रहा आलम जी के साथ, और मैं चाहूँगी कि बार बार मैं यहाँ आऊँ और गर्ल्स को भी यही कहूँगी कि यहाँ पर आकर परचेस कर सकते हैं, मेकअप करवा सकते हैं। आलम जी अब सवाल जो है मेरा आपसे है कि मेकअप का ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा है, मार्केट में भी है और आपके पास भी ऑप्शन बहुत ज़्यादा होंगे, तो मुझे आपसे ये जानना है कि आपके पास जो क्लाइंट आते हैं उनका डिमांड तो होता होगा कि आप ये मेकअप करें वो मेकअप करें, लेकिन आप कौन सा मेकअप के लिए उन्हें सजेस्ट करते हैं, कौन सा मेकअप आपको लगता है कि हाँ ये बेस्ट मेकअप है, उसमें क्या कहेंगे आप? मैम सबसे पहले कहना चाहूँगा मेरे पास जो भी मेकअप है सब 3 बजट का मेकअप मेरे पास है, क्लाइंट बोलती है कि नहीं मुझे नॉर्मल बजट ही मेकअप चाहिए बट अच्छा दिखना चाहिए, तो मैं उस बजट में ही मेकअप उनको अच्छा लुक दे देता हूँ और उस बजट में भी काम हो जाता है। आपका फेवरेट मेकअप लुक कौन सा है? मेरा एयर ब्रश HD मेकअप है फेवरेट। अच्छा, तो एयर ब्रश काफ़ी चर्चित में है अभी और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इनकी मेहनत देख सकते हैं आप, सर्टिफिकेट का भरमार है यहाँ पे। ये नॉर्मल हम जैसे लोगों का मेकअप के साथ साथ ये सेलिब्रिटीज़ का भी मेकअप करते हैं, काफ़ी सारा इवेंट का भी यहाँ पे आप फोटोज़ देख सकते हैं, स्टार के साथ भी आप फोटोज़ देख सकते हैं।
तो चलिए आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मैं मुस्कान झा विदा लेती हूँ आपसे, और आप तब तक बने रहे डीटीवी भारत के साथ। नमस्कार।